जनपद टिहरी गढ़वाल में जिला मुख्यालय के विकास भवन में शुक्रवार को 2 दिवसीय पासपोर्ट मोबाइल वैन शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि इस मोबाइल वैन शिविर का उद्घाटन टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने दूरस्थ इलाकों के पास ही लाभार्थियों को पासपोर्ट बनाकर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह सेवा शुरू किया है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि विदेश मंत्रालय की यह बेहतरीन पहल है, जिससे घर के पास ही लोगों के पासपोर्ट बनाए जाएंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि उत्तराखंड में नई टिहरी से मोबाइल वैन कैंप का शुभारंभ किया है। 2 दिन में करीब 100 आवेदकों के पासपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा दूरस्थ चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में भी रोस्टर बनाकर कैंप लगाए जाएंगे। टिहरी से बलवंत रावत की रिपोर्ट। देखें, पासपोर्ट मोबाइल वैन का कॉन्सेप्ट उत्तराखंड के लिए एक वरदान के रूप में सरकार ने दिया है, और इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड में दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, दूरस्थ स्थित क्षेत्र हैं, उनके आवेदकों को उनके द्वार पर पासपोर्ट की सुविधा देना। इस क्रम में इसको हम आज यहाँ नई टिहरी लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। टिहरी गढ़वाल एकमात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ की कोई पासपोर्ट सेवा केंद्र या छोटा POP इसके नहीं है। इस उद्देश्य से हम इसको लेके आए हैं कि यहाँ के आवेदकों को ये सुविधा प्रदान करी जाए।